ਉਦੋਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਕੇਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੁੜੀਏ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸਰੀਆਂ ਅਖੀ ਆਪੀ ਹਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਟੌਰ आज ही वीडियो में दिखाने वाले मैं आपको टोयोटा हाईराइडर ई वेरिएंट साथ में अपने अमित भाई, क्या हाल चल भाई? भाई आप बताओ कैसे हो, क्या ले गया अपनी ऑडियंस के लिए? भाई हाईराइडर बेस मॉडल विद कंप्लीट बेस टू टॉप कंप्लीट वर्क है इसमें, फुली कन्वर्ट कर रहे हैं आउटर इंटीरियर, हर चीज इंटीरियर सब कुछ है इसमें। ठीक है, फ्रंट से बात करें, क्या कुछ चेंजेस करने? फ्रंट में ज्यादा चेंजेस होते नहीं है इसमें। फर्स्टली जो हमारा मेन चेंज है इसमें, हेडलाइट में एलईडी लगा रहे हैं, क्योंकि भाई येलो से ना बहुत ज्यादा परेशान है। 55 वॉट्स की एलईडी आती है आपकी, नो सॉरी हैलोजन बल्ब चाहते हैं 55 वॉट्स के, ठीक है, जो हम लगा रहे हैं एथेंस की 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ 200 वॉट की एलईडी लगा रहे हैं। ठीक है, साइड फेस में इसमें अलॉय व्हील्स अपग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल अलॉय व्हील लगा रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ कौन सा वाला लगाना है, क्रेटा का भी लगा सकते हैं, ये न्यू ब्रांड के आते हैं वो भी लगाएंगे भैया, या फिर हाईराइडर के। बहुत सारे ऑप्शन है भैया को दिखा दिया हमने, भैया चूज कर रहे हैं, मन मने लगा देंगे। ठीक है, आउटर में पेस्टिंग आइटम लगाएंगे, आउटर पेस्टिंग आइटम सारी है, जो भी क्रोम वर्क है वो सारा होगा इसका। ठीक है, अब थोड़ा अंदर से बात कर लेंगे, डोर्स के ऊपर चेंजेस कुछ कर रहे हैं? डोर्स पे कंप्लीट इंटीरियर हो रहा है, डबल लेयर डैम्पिंग हो रही है एथेंस की, ठीक है, 2.4 mm थिकनेस, लाइफटाइम वारंटी मेल्टिंग। ये देख लो भाई, ये लुक आती है, इनर सरफेस जो अपना अंदर वाला होता है वो कवर करते हैं, फिर सेम आउटर सरफेस कवर करते हैं। साथ में स्पीकर कौन से लगा रहे हैं? इसमें स्पीकर जो लगा रहे हैं हम JBL के 790 CHI का कंपोनेंट प्लस कोएक्सल लगा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर आगे कंपोनेंट का जो टोटल की प्लेसमेंट होगी प्रॉपर ऊपर आएगी, और सेकंडली जो बेसिक JBL के मॉडल आते हैं उसमें स्टेज 2 आता है, स्टेज 1 आता है, और जो 790 CHI मॉडल है इसमें आप डेसिबल पॉइंट भी आता है कि डेसिबल का पॉइंट अगर दबा दोगे तो बेस ज्यादा है। और कॉपी वॉपी का सिस्टम तो नहीं है? कॉपी का काम ही नहीं करना। ठीक है, अंदर से दिखाया था, यहाँ पर एंड्रॉइड भी लगा रहे हैं, एंड्रॉइड डायमंड डायमंड अल्ट्रा ऑडियो कंपनी का 2 ईयर की प्लेसमेंट गारंटी के साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला। ठीक है, अभी बिफोर लुक देख लो भाई, ये कुछ बिफोर लुक आती है और थोड़ी देर में ना इसकी लुक ही अलग लेवल की होने वाली है पूरी। और भाई ये सारी वर्किंग के लिए आना कहाँ पर है? काउंटिंग कार्स करोल बाग, एक प्रीमियम शॉप, जैसी एंट्री लोगे आर्य समाज रोड पे, थर्ड शॉप हमारी है भाई। ये देखो काउंटिंग कार्स एंट्री पॉइंट है, जैसी एंट्री करोगे थर्ड स्टॉप आपको मिल जाएगी काउंटिंग कार्स, जहाँ पर प्रीमियम वर्क मिलने वाला है और जेन्युइन पार्ट पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है। डिस्काउंट मिलेगा भैया, पर डिस्काउंट क्या है कि हम वो बनाते नहीं है कस्टमर का। ठीक है, जो चीज आपको फॉर एग्जांपल डिस्काउंट दे रहे 70% 80% बहुत बैठे हैं भैया देने के लिए, और वो दे दिया कहीं ना कहीं किसी आइटम में घुमा रहे तभी दे रहे हैं। अब जब चीज 5000 की है ना, वो 5000 की ही बेचूंगा, उसको 8000 का नहीं बताऊंगा, उसमें डिस्काउंट देने के। इसलिए भाई क्वालिटी वर्क डील करवाना है, और बेस मॉडल लेने की सोच रहे हो और टॉप मॉडल बनाने सोच रहे हो तो काउंटिंग कार्ड आपके लिए बेस्ट हो रहा है। साथ में यार बेस्ट टू टॉप मॉडल कन्वर्ट कर रहे थे, क्रूज तो लगा रहे होंगे? क्रूज तो लगा ही रहे हैं, स्टीयरिंग लगा रहे हैं ना, तो पूरा देखो भाई ये है बेस मॉडल का स्टीयरिंग, अभी थोड़ी देर में टॉप मॉडल का स्टीयरिंग लग जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी वर्किंग उसके अंदर मिल जाएगी। बाकी इस गाड़ी को देते कंप्लीट, फिर एक फाइनल लुक चेक करवाता आपको। फाइनली भाई यहाँ पर अपनी हाईलाइटर हो चुकी कंप्लीट, साथ में अपने अमित भाई कंप्लीट सारा काम। फाइनली भाई सारा काम कंप्लीट हो गया, और इसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ क्या चीज़ लगी है, किस स्पेसिफिकेशन की है, और क्या क्या काम कर सकते हो। बेस वेरियंट आया था भाई यहाँ पर, और फुली भाई टॉप मॉडल फील से भी अपर मिलने वाले, क्योंकि इंटीरियर एक टॉप नॉच क्वालिटी करा गया है, टॉप नॉच क्वालिटी जो आती है उसमें किया गया है। एंड फ्रंट लुक से हम फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, फ्रंट में नॉर्मली जैसे आती है इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मली ग्रीन लाइट्स लगाई है इसमें, जो येलो फ्लैशर के होते हैं फर्स्ट पॉइंट पे चलता है फ्रंट लुक एनहांस करने के लिए। एक्जैक्ट, तो ग्रीन लाइट इसको बोलते हैं, वो इसके अंदर अपग्रेड कर चुके हैं। हाँ, साथ में हेडलाइट में चेंजेस करे हैं, हेडलाइट में जो बाय डिफॉल्ट आती है 55 वॉट की आपकी हैलोजन बल्ब आते हैं। ठीक है, इसमें हमने 200 वॉट की एथेंस की एलईडी लगाई है, जिसमें आपकी एफिकेसी 2.4 की आती है एंड 20,000 की लुमेंस की ब्राइटनेस आती है। प्लग एंड प्ले है, प्लग एंड प्ले है, 6,000 केल्विन टेम्परेचर, जिससे आपको रेनी सीजन धुंध के मौसम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ऑन करना अंदर से भाई एक बार। बिल्कुल भाई, तो रिस्पॉन्स चेक करता हूं, देखो अभी ये ऑफ पे रिस्पॉन्स है, और ये है पूरा फ्रंट रिस्पांस जो आपको ऑन पे मिल जाता है देखने के लिए। तो फ्रंट फेस बहुत ज्यादा ब्राइट सेटअप हो चुका है, प्रॉपर ब्राइट सेटअप है। एंड इसमें ये नहीं है कि 200 वॉट के डिब्बे पे प्रिंट है, 200 वॉट की आपको रोशनी नहीं मिल रही, वो चीज नहीं है यहाँ पे काम। और कितने से बेसिक स्टार्टिंग मिल जाती है? बेसिक स्टार्टिंग आपको 1500 से मिल जाती है एलईडी की, पर मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 2400 की आप एलईडी लगाइए। ठीक है, अब थोड़ा साइड फेस में बात कर ले, इसके अंदर तो यार क्रेटा के अलॉय व्हील्स लगा दिए, लुक तो अच्छी आ रही है ना भैया? लुक चाहिए थी, देखो भाई जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हाईराइडर के पड़ते हैं भाई कॉस्टली, तो हम जो ही रिकमेंड कर देते हैं कि आप आफ्टर मार्केट नहीं तो जेन्युइन फील्स तो क्रेटा के लगा लो, अच्छी लुक आया जी इसके अंदर। क्रेटा के प्रॉपर डायमंड कट अलॉयज आते हैं, उसमें जो कैप हमने लगाई ओरिजिनल क्रेटा के लगाए हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर भाई ऑप्शन बताता हूँ, विटारा का भी ऑप्शन है अपने पास, क्रेटा का भी ऑप्शन है, अगर टाई साइज अपग्रेड करवाओगे तो उसमें भी बहुत सारे जेन्युइन के ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड आपको बहुत सारे एक्स लाइन के मिल जाएंगे, एन लाइन का मिल जाएगा अलॉय, एंड सेकंडली आपको अगर आफ्टर मार्केट अलॉयज में जाना है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी भाई जेन्युइन अलॉय व्हील्स की स्टार्टिंग की बात करें कितने से मिल जाते हैं भैया? 17 इंच में आपको जेन्युइन अलॉय व्हील्स 32,000 से स्टार्टिंग मिल जाएंगे, 32,000 रुपए जी। बाकी अगर इसके जेन्युइन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाते हैं, ऑन ऑर्डर मिलते हैं ना, ऑन ऑर्डर है, बाकी एक दो सेट हमारे पड़े होते हैं तो हम अरेंज करवा देते हैं। एक फ्रंट में एक चीज मिस कर दिया भाई हमने, कैमरा।
तो इसमें 360 कैमरा भी अपग्रेड करा गया। 360 कैमरा विद 1080p रेजोल्यूशन 25 फ्रेम पे एंड फ्रंट बैक रिकॉर्डिंग फंक्शन भी मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, अब साइड वाइज में बात कर ले, ये वेंट आता है। बिल्कुल, ये टॉप मॉडल साइड वेंटर आते हैं इसके, 990 रुपये की MRP है। आपको डिस्काउंट अच्छा मिलेगा इस पे। अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, 75% है भैया बेस टू टॉप पे, 75% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ में भाई यहाँ पर भी कैमरे की प्लेसमेंट मिलने वाली है, जेन्युइन पेस्टिंग आइटम सारे अपग्रेड करेगा इसके अंदर। एक्जैक्टली, एंड इसमें फुटरेस्ट भी लगा है, और वो भी नहीं है लोकल क्वालिटी में लगा है, प्रॉपर हैवी क्वालिटी का फुटरेस्ट है। स्ट्रेंथ लेवल देख लो भाई आपके सामने। बाकी इसके अंदर एक ऑप्शन रहता है जिसमें आपको विटारा की बैजिंग भी मिल जाती है ना, हाइलाइटर विटारा बैजिंग भी मिल जाएगा, हाइलाइटर बैजिंग वाला भी मिल जाएगा, प्रॉपर यू शेप वाला जो आता है टॉप मॉडल में वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, पेस्टिंग आइटम्स में बात करें, डोर वाइज अपग्रेड करेंगे, जेन्युइन रहते हैं, लो गार्निश पेस्टिंग सीन, हैंडल क्रोम और साइड बीडिंग भी जेन्युइन अपग्रेड करेगी। डोर गार्ड भी लगा है, रूफ रेल्स भी लगे पेस्टिंग वाले, और प्रॉपर पेस्टिंग है, ये नहीं कि ऐसे ही बस लगा दिया, प्रॉपर पेस्ट किया प्राइमर के साथ। ठीक है, डुअल फिनिश के अंदर मिल जाती है आपको देखने के लिए। बाकी फिर से बता दूं, जेन्युइन पार्ट पे आपको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कितना परसेंट? 75%। थोड़ा सा बैक से बात कर लेते हैं, बैक में भाई यहाँ पर एक ये गार्निश रहती है वो अपग्रेड करी गई है इसके अंदर। डिगी क्रोम में 1090 की MRP है, 75% डिस्काउंट है MRP पे। रिफ्लेक्टर्स नहीं लगा इसके अंदर? मैं रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन भी है, उसमें भी तीन ऑप्शन है, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। बाकी कस्टमर की डिमांड नहीं थी तो हमने रिकमेंड नहीं किया उस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक ट्रंक वाला क्रोम भी अपग्रेड करा गया। साथ में भाई कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बूट में दिखाया थे भाई, तो यहाँ पर अपनी जेन्युइन पार्सल ट्रे लगाई इसके अंदर। जेन्युइन पार्सल ट्रे लगाई, प्रॉपर ऑरिजिनल जो बूट लाइट आती है वो लगाई हमने इसमें। ठीक है, जेन्युइन बूट लाइट इसमें। सेकंडली, अगर आपको आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे चाहिए वो भी मिल जाती है, इसमें प्रॉपर बैजिंग होती है, नीचे पार्ट नंबर होता है इसका। ठीक है, लोग इसमें काफी गपलाबाजी करते हैं, अब कुछ नहीं कह सकते। स्टीयरिंग भी भाई यहाँ पर चेंज करेगा, तो ये रहा बेस मॉडल का स्टीयरिंग। ये पुराने जो दो स्पीकर आते थे पेपर कॉर्न वाले, वो बीच वाला पार्ट जो मैट फिनिश में है पूरा ग्लॉसी में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये अपने व्हील कवर से भैया गए, क्योंकि गाड़ी अपनी एलॉय व्हील्स पे जाने वाली है। अब आउटर दिखा दिए, इंटीरियर दिखाए थे अमित भाई, तो डोर से स्टार्ट करते हैं भाई। डोर पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने की है, सॉफ्ट कुशनिंग की है, एंड ये भी हमने ड्यूअल टोन में की है। नॉर्मली चाहो तो आप मैंगो कलर है वैसे बाय डिफॉल्ट इसका जो हमने करा है इसमें। एंड सेकंडली, आप चाहो तो इसमें यहाँ पे भी मैंगो हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, पर ये चीज़ है जैसे कि भैया देखो, नॉर्मली आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपका हाथ जो यहाँ पे पड़ता है पहली बात तो गंदा हो जाता है। एक्जैक्टली, तभी मैंने यहाँ पे ब्लैक रिकमेंड किया, कस्टमर को ये चीज़। और लुक भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें लगने के बाद ना, देखो भाई ये, और साथ में ग्लॉसी ये भी ट्रिम्स भी रिप्लेस करी गई है। हाइड्रोलिक पेंट हुआ है, प्रॉपर स्पार्कल पेंट में, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, बहुत प्रीमियम लुक है। साथ में एम्बिएंस लाइट भी अपग्रेड करी गई है, और ये कुछ लग्जरी इंटीरियर आपको मिलने वाला है इसके अंदर देखने के लिए। कार में एंटर करने में यहाँ से भी दिखा दूँ, डोर की लुक ये आपको मिल जाती है। नीचे हाइलाइटर की स्कफ प्लेट अपग्रेड करेगी, ब्लू लाइटिंग के अंदर मिल जाती है, और ये अंदर से ब्लैक होती है। फ्लोरिंग नहीं करी इसके अंदर? नहीं, फ्लोर लैमिनेशन हुई है, बाकी नॉर्मल मैट्स थे भी है कि उनको नीड भी नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया फ्लोरिंग। ठीक है, यहाँ पर दिखा दो भाई, टॉप नॉच क्वालिटी वाले सीट कवर्स अपग्रेड करेंगे, और एयरबैग फ्रेंडली है, तो यहाँ पर वेलक्रो सिस्टम आपको मिल जाता है, और लुक भी बहुत अच्छी लगती है। मैंगो कलर ना इंटीरियर में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक दे देता है। लुक तो है, बट फोमिंग भी है इसकी प्रॉपर, फुल लैमिनेशन वाले सीट कवर्स हैं। सीट कवर की आपकी 10 इयर्स की मिनिमम गारंटी मिलती है स्टिचिंग इन पपड़ी की, क्या बस लाइन नहीं निकलेगी, इन पपड़ी नहीं निकलेगी। और जो मार्केट में नॉर्मल सीट कवर ना, उसमें फॉर्म अलग से लगती है, इसका कपड़े के साथ है भाई, ये सारी फॉर्म जितनी भी है ना, ये कोई अलग से एक्सटर्नल नहीं लगा रहा है। फॉर्म है, मेमोरी फॉर्म भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, वो प्रॉपर सबसे हाई एंड क्वालिटी का फॉर्म यूज किया गया इसमें। डैशबोर्ड भी करा है, डैशबोर्ड साइड पैनल्स, छोटा वाला डैशबोर्ड कभी इसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, ये वाला पार्ट जो एक्जैक्टली कई लोग बाय डिफॉल्ट इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सेकंडली छोटा वाला राइट साइड का डैशबोर्ड का पीस भी हुआ है, एंड मेन जो है ट्रायंगल पीसेस भी किए हैं ये वाले पार्ट्स भी। और भाई स्टिचिंग लेवल देख लो, बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है, ये भी नहीं कहीं से लहर मार रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल है भैया, ये नहीं ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं लहर खा रही है। और साथ में एक एमएल लाइट K4 सीरीज है क्या? K4 सीरीज है, बाकी इसमें आपको ऐप ऑप्शन आता है 264 कलर इन टोटल आते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिंगल कलर प्लस आपको मल्टी कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ में कार में बैठ जाते हैं एक बार। एसी वेंट में चेंजेस दिख रहे हैं भाई यहाँ पर, इसमें प्रॉपर जो ग्लॉसी पार्ट आता है इसका, एसी वेंट्स हो गए लेफ्ट एंड राइट साइड के, एंड सेंटर एसी ग्लॉसी पीस। ठीक है, ये अपने जेन्युइन रिप्लेसमेंट्स इनके अंदर कन्वर्ट कर चुका है, और ये जेन्युइन है, देखो सिल्वर फिनिश इसके अंदर आपको मिल जाता है। टॉप मॉडल गियर नॉब भी अपग्रेड करा गया इसके अंदर, और साथ में फ्रंट में जेन्युइन USB भी अपग्रेड करा गई है। एंड सेकंडली, जैसे पियानो ब्लैक फिनिशिंग आप देख रहे हो ना, इसमें ऑप्शन होता है हाइड्रो डिपेंड का भी, उसमें भी सिल्वर हो जाता है सेंटर पार्ट पर, सेंटर पार्ट में आपको थोड़ी सी छींटे दिखेंगी बाहर की ओर रंग की, तो भैया हम तो जेन्युइन ही रिकमेंड करते हैं, जेन्युइन लगवाओ। स्टीयरिंग पे चेंजेस क्या करें है? स्टीयरिंग पे आप पूरा स्टीयरिंग ही टॉप मॉडल लगाया है। एंड सेकंडली, बेस टू टॉप पे ऑफर है भैया, स्पेशल ऑफर है, क्रूज फ्री है, क्रूज फ्री आपको मिलने वाला है, प्रॉपर क्रूज वर्किंग करेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिखाया दे भाई मीटर में, देखो भाई क्रूज की वर्किंग आपको मिलने वाली है, ऑफ करना भाई ऑफ हो गया, क्रूज अपना ऑन हो चुका है। तो भाई जेन्युइन क्रूज कंट्रोल बेस मॉडल के अंदर अपग्रेड कर चुके हैं, हायर ऑर्डर है, प्रॉपर बेस टू टॉप करवा रहे हैं, क्रूज कंट्रोल फ्री आपके लिए, क्रूज कंट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी जेन्युइन पे डिस्काउंट तो हमने भाई बता ही दिया, फेस्टिंग आइटम पे डिस्काउंट आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड कौन सा अपग्रेड करा है? एंड्रॉइड इसमें अल्ट्रा ऑडियो का 464 स्पेसिफिकेशन लगाया, 432 पे मैं जाना भी है, 464 एग्जैक्ट चूज करना।
ठीक है, मतलब क्वालिटी लैगिंग इशू 1% नहीं आने वाले। डीएसपी के साथ है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर साउंड को एनहांस करने के लिए, टच लेवल बिल्कुल स्मूथ जिसको बोलते हैं, Z-Link के थ्रू वायरलेसली एप्पल कार पे भी मिल जाएगा। साथ में इसमें 360 कैमरा भी अपग्रेड करा गया, तो यहाँ पर 360 का व्यू आपको मिलने वाला देखने के लिए। प्रॉपर कैलिब्रेशन भी है, ये नहीं कि उल्टा सीधा हो, प्रॉपर कैलिब्रेशन। ब्लर इशू 1% इसके अंदर आपको मिलेगा, सारे एंगल्स के व्यू चेकआउट कर लो। तो भाई देखो ये फ्रंट है, ये पूरा व्यू मिल जाता है आपको, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट एंड राइट मिल जाएगा, ये पूरा फ्रंट एंड के इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने के लिए। तो बहुत प्रीमियम लुक आती है, बेस मॉडल में 360 कैमरा अपग्रेड आप करवा सकते हो। साथ में स्पीकर कौन से लगाए हैं? स्पीकर्स में हमने JBL 790 CHI लगाए हैं, जो डेसिबल कंट्रोल के साथ है, प्लस 2 डेसिबल आप आउटपुट बढ़ा सकते हैं उसकी। ठीक है, साथ में डैम्पिंग भी करिए। डैम्पिंग की है डबल लेयर एथेंस की, 2.4 mm लाइफ टाइम वारंटी के साथ, जो मेल्टिंग की वारंटी मिलती है। मेल्टिंग इशू 1% एग्जैक्टली, कोई भी दिक्कत है ऐसे चेंज करके देंगे, क्योंकि मार्केट में नॉर्मल चलती है वो मेल्ट हो जाती है। नॉर्मल शीट्स आती है 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, पर अगर प्रीमियम क्वालिटी शीट बता रहे हो एग्जैक्ट स्टार्टिंग जो होती है 700 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, साथ में ट्विटर स्लैश भी जेन्युइन अपग्रेड करेंगे इसके अंदर। बिल्कुल, टॉप मॉडल ट्विटर स्लैश फ्री है, बेस्ट टॉप पर। बिल्कुल, अगर ऐसे कुछ कन्वर्जन आप कंप्लीट करवाओगे तो नहीं, अगर आप जैसे छोटे मोटे स्पीकर भी ले रहे हैं, कॉम्पोनेंट प्लस कोएक्सल भी लगाए, तब भी ट्विटर स्लैश आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है भाई, आमरश भी कन्वर्ट करा गया अपना इंडिया मैचिंग के हिसाब से। बाकी हमें थोड़ा खर्चा जान ले, अगर ऐसे कुछ वर्किंग है कितना खर्चा आता है विद अलॉय व्हील्स? अराउंड 110 का आप खर्चा मान के चलिए, 1,10,000 विदाउट अलॉय 17 हो जाएगा पूरा। तो भाई ये इतना कम रेट में 1,10,000 में यार, अलॉय व्हील्स के साथ? बिल्कुल, अलॉय व्हील्स के साथ भाई, इसलिए बोलते भाई क्वालिटी वर्क प्लस रेट्स भी अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि भैया हमारे जो काउंटिंग कार्स है, शॉप जो मेरी है, वो होलसेल आउटलेट है, रिटेल प्राइसेस हमारे पास नहीं मिलेंगे, होलसेल प्राइसेस मिलेंगे उसकी गारंटी मेरी है। भाई लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सीधा लोकेशन खोलो, भाई के पास आ जाओ, बेस मॉडल लेके आओगे, टॉप मॉडल बन के जाएगी भाई यहाँ से। बाकी हमने सारी वर्किंग दिखा दी, अगर आपको भी ऐसी वर्किंग करानी है तो आना कहाँ है भाई? काउंटिंग कार्स करोलबाग, स्क्रीन पर सारे नंबर है, डिटेल लेने कॉन्टेक्ट कर सकते हो।